हाय दीदी, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अम्मा जान के पास थी, आपको पता है ना, उनको दूध देना, उनकी दवाइयाँ देखना, ये सारे काम मेरी जिम्मेदारी है ना, उनके पास थी। शुक्र है सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। अब तो तुम्हारी सौतन भी तुम्हारी सहेली बन गई है, इसलिए सब कुछ नॉर्मल होना ही था। वैसे तुम्हें क्या लगता है, वो वाकई बदल गई है या फिर? आपको क्या लगता है फरवाद, आप बताएं। पहले तुम बताओ। फरवा बेवकूफ नहीं है और सच्चाई को परखने की आंख भी रखती है। उसको पता है कि मैं सच्ची हूँ, वो ठीक हो गई है, मुझे यकीन है। मेरी मासूम बीवी सबके बारे में कितना पॉजिटिव सोचती है। हाँ तो क्यों ना सोचूं पॉजिटिव। आपको पता है, पर उम्मीद इंसान हमेशा मजबूत रहता है। वैसे ये सारी बातें ना मुझसे डॉक्टर नौशीन ने की। ये वही है ना जिनके पास तुम ट्रीटमेंट के लिए जाती हो। वही है, पता, उन्होंने मुझसे एक और बहुत अच्छी बात की थी। आपके बाद ना मैं बहुत बिखर गई थी, बड़ा एनकरेज किया उन्होंने मुझे। एक बात ना बहुत अच्छी की थी फवाद उन्होंने मुझसे, और उस बात ने मेरे दिल में घर कर लिया। पता है वो बात क्या थी? कि इंसान का अगर मौकफ अच्छा हो और सच्चा हो ना, तो उसको उस पे डटे रहना चाहिए, अपने घट पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए। उसका मतलब है तुम्हें उनकी मॉरल सपोर्ट रही काफी। तो मिलना पड़ेगा। बिल्कुल मिलेगा, आपके साथ ही जाऊंगी मिलके नेक्स्ट टाइम। हाँ तो भाई, अब क्या सोचते हैं आप फरवा के बारे में? तुमने पॉजिटिव सोचने का कह दिया है तो अब क्या कह सकता हूँ फरवा के बारे में। चाय कैसी? बहुत अच्छी। कॉर्नेट ले लो। ये लीजिए ऑमलेट। थैंक यू। और दो? नहीं नहीं काफी, थैंक यू। अमेज़न आप नहीं? थैंक यू। सो यक ना शुद्ध दो शुद्ध, सब नजर मत लगाना। वाह फवाद भाई, तो बीनिया खिदमत के लिए हाजिर, ठीक जा रहे हैं। सबको खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। भाई फारूक, मुझे तुम ही चाय डाल दो। आई थिंक साथ रो रहा है, मैं देखकर आती हूँ। बस ऐसे घर में कितना सुकून हो गया। बिल्कुल सारा ज्ञान है सर। बेटा अब तुम भी हिना को ले आओ, छोड़ दो पुरानी बातें, मत लगाओ। हाँ सऊद, पता है अब ले आओ हिना को। गाइस प्लीज, मैं नाश्ता कर लूँ आराम से, मैं कमरे में चला जाता हूँ। चलो अल्लाह तुम्हारे दिल को नरम करे। सऊद साथ के पापा भी आ गए। तुमने तो इसे सुबह सुबह ही तैयार कर दिया। एक दिन ये भी आपके साथ ऐसे ही ऑफिस जाएगा इंशाल्लाह। फरवा
तुमने अपने आप को बदला है और ये अच्छी बात है। आप खुश हैं ना? हाँ, घर का सुकून और खुशी किसे अच्छी नहीं लगती। लेकिन माजी में जो कुछ हुआ है उसकी वजह से कुछ डरता भी हूं। क्या मतलब? कहीं ये तब्दीली सिर्फ कुछ दिनों के लिए तो नहीं है? इंसान के पास जब अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ ना हो तो सिवाय नदामत के उसके पास कुछ नहीं होता। खुदा करे ऐसा ही हो। तुम्हारी इस बात में मेरा दिल खुश करती है। मैं वादा करती हूँ आपको कभी मायूस नहीं करूँ। Thank you. तुम कपड़े भी ले आई इसके लिए? मैं सोच ही रही थी कि शॉपिंग करने जाऊं इसकी। अभी तो और बहुत सारे कपड़े खरीदूंगी मैं इनके। अरे नहीं नहीं, और नहीं खरीदना, छोटे होते जा रहे हैं कपड़े। ये माशाल्लाह से बड़े भी तो हो रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी। अच्छा ये इसको पकड़ो, मैं जरा खाना देख लूं। अगर ये होना शुरू हो गया तो फिर चुप नहीं करेगा। अरे भाई अब अपनी सारा मम्मा के पास आ गए हैं, अब इनको सारा मम्मा रोने नहीं देंगे। अरे वाह, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है भाई, लगता है खूब दोस्ती हो गई है दोनों में। हाँ अब खैर नहीं है देखना। अस्सलाम वालेकुम आरिया भी। एक बात बताओ फरवा, ये तुम्हारे दिल से जो बुग़्ज़ और कीना है ये चला गया है क्या? ऐसा हो नहीं सकता, ये तुम्हारी कोई नई चाल है लगता है, वरना तुम्हारी फितरत बदल नहीं सकती है। अपनी घटिया सोच के मुताबिक दूसरों को जज करना छोड़ दें आप। फरवा ये कैसी बातें कर रही हैं आप दोनों? फरवा छोड़ दो ना तुम। अरे इनको तो खुशी होती है जले पे नमक छिड़क कर। शट अप, अपनी जबान संभाल के बात करो। यू शट अप, आप अपने हाथ में रहें। आप तो चाहती हैं कि इस घर का सुकून बर्बाद हो जाए, कोई खुश नहीं रहे इस घर में। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे बकवास करने की? अच्छा और आपका जो दिल में आता है आप कहती रहे हमें। झूठी ड्रामेबाज चालबाज, मेरे साथ मिलके सारा के खिलाफ प्लान करती रही और आज तुम उसके साथ मिल गई हो। वेट, दरअसल सारा के लिए आपने मेरा दिल खराब किया और जब मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलती पे हूं, मैंने माफी मांग ली है सारा से, तो बुरा लग रहा है आपको? मैं तो कहती हूं मारे आप ही कि आपको भी इससे माफी मांग लेनी चाहिए। माफी? और मैं? तुम पागल हो गई हो क्या? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आप जैसे लोग माफी कैसे मांग सकते हैं, इन लोगों की तो ईगो हर्ट होती है ना। मेरी बात सुनो, ये जो दोस्ती का लिबादा तुम दोनों ने ओढ़ लिया है ना, ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। मारे आप ही प्लीज छोड़ दें, क्या हो गया आपको? तुम तो प्लीज चुप ही रहो, जो तुम्हारे साथ हुआ है ना वो कम नहीं है, फिर भी तुमने इस पे यकीन कर लिया है। क्या चाहती हैं आप? हाँ क्या चाहती हैं? हम दोनों आपस में लड़ते रहें, झगड़ते रहें और आप देख के हमें खुश होती रहें? बहुत ही अजीब इंसान है आप वैसे, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लग गई? क्या करूं, आपको देख के कुछ ज्यादा ही फिसल जाती है। देखा अब ये जा रही है और ये जाकर अम्मा जान को भड़काएगी। वरना तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी ऐसी बातें यार, ये तुमने क्या हो गया यार? ऐसे लोगों को आईना दिखाना बहुत जरूरी है, वरना ऐसे लोग सर पे चढ़ जाते हैं। देखती रहती कितनी कितनी बदतमीजी कर रही थी वो। अम्मा जान आज मैं आपको अपने हाथों से मिठाई खिलाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहले खबर सुनाओ। नहीं नहीं पहले बाइट ले। अब बताओ। मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है, बल्कि ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं काफी सालों से उसके लिए कोशिश कर रहा था। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। तो बाकी बहुत अच्छी खबर है। बहुत
बहुत बहुत मुबारक हो यार। थैंक यू। खुशी में तो सेलिब्रेशन बनती है। हाँ हाँ बताओ क्या करें। बस आज हम सारे अच्छा से डिनर करने बाहर जा रहे हैं। क्यों नहीं, क्यों मजा? नहीं तुम लोग जाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ। अरे मजा आपके बगैर हम एंजॉय कैसे करेंगे? नहीं बस आप भी साथ चल रही हैं। अच्छा ठीक है। मारिया पी को भी मारिया का भाई आज ही आई है। वकार भाई से लड़के और काम ही क्या है उनको। आखिर मारिया कब सुधरेगी? हर बात की लिमिट होती है। वो नहीं सुधरने वाली फवाद भाई, सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुकी हैं वो। बस अल्लाह ही उसे समझाए, मैं तो समझा समझा के थक गई। वो भी मुश्किल है अम्मा जान। और बाय द वे वो हमारे साथ आज डिनर पे नहीं जा रही। सऊद अम्मा जान फजूल में कोई बात करके सबका मूड ऑफ कर देंगी। इतनी देर के बाद हम कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्लीज। सऊद ऐसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अम्मा जान मुझे लगता है कि इस वक्त मारिया को थोड़ा अकेले सोचने का वक्त देना चाहिए। ठीक है। पता नहीं भाई चक्कर से आ रहे हैं, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग भी हुई है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। रेस्ट कर, बैठो पप्पू के साथ बैठो। पप्पू आप ठीक हो जाएंगे? हाँ मेरे बेटा थोड़ा चक्कर आ गया था। सब खैरियत है डॉक्टर साहब? ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं, शी इज प्रेग्नेंट। मगर इन्हें वीकनेस बहुत ज्यादा है, इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा रेस्ट और अच्छी डाइट की बहुत जरूरत है। जी ठीक है। उसने टेंशन फ्री रखिएगा, ये मैं कुछ मल्टीविटामिन्स लिख के दे रहा हूँ, ये इन्हें खिलाते रहिएगा। ठीक डॉक्टर साहब। और किसी अच्छी लेडी डॉक्टर को भी दिखा दीजिएगा। मुबारक हो सऊद। मुबारक बात किस चीज की? तुम बाप बनने वाले हो। व्हाट? अम्मी आप जिंदा होती हैं, आज हमारे साथ होती, कितनी खुश होती हैं। क्या हुआ? वकार ने कॉल क्यों की? सब ठीक है ना? वो वकार भाई कह रहे थे कि I'm gonna be a father. What?
That's great news. बहुत मुबारक हो तुम्हें. Congratulations, Saud. बहुत मुबारक हो तुम्हें. Thank you. बहुत मुबारक हो Saud. Thank you. वकार भाई, अम्मा जान और सारे घर वाले मुझे वापस ले जाने आए. अच्छी बात है, बहन का घर आबाद हो जाए, भाई के लिए इससे ज्यादा क्या खुशी की बात होगी. जरूर जाओ. सऊद, पिछले सारे गिले शिकवे खत्म करके इसका ख्याल रखना. शोर बकार भाई. अम्मा जान, थैंक यू सो मच. किस बात का बेटा? मेरी बहू अपने घर वापस आ रही है. और अब तुम भी अपने घर को संभालने की कोशिश करो. जी बिल्कुल. ओके बेटा. अम्मा जान, हमें भी इजाजत, काफी थकान हो रही है. ठीक है, शाबाश. बेटा, अब तुम भी सारी पुरानी बातें भूल जाओ. अल्लाह औलाद की इतनी बड़ी खुशी से नवाज रहा है तुम. गिले शिकवे छोड़ो और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से रहो. समझ रहे हो ना मेरी बात? घर उसी वक्त चलते हैं जब उनमें सुकून. अब तुमने भी हिना को खुश रखने की कोशिश करनी है. हम्म. मैंने तो पहले भी बहुत कोशिश की है मजा. अब तुम भी पुरानी बातें सारी भूल जाओ और शाबाश, इसे ऊपर ले जाओ, थक गई है. चलो शाबाश, कल सुबह मिलो. शाबाश. थैंक यू सो मच. ये क्या ड्रामा है? आप लोग तो डिनर पे गए थे ना, इसे कहां से साथ लेके आ गए? बस अल्लाह ने हालात ही ऐसे बदल दिए. क्या मतलब? हिना उम्मीद से है. अम्मी, आपने मुझे अब तक माफ नहीं किया. सोचा तो यही था कि तुम्हें दुबई जाती डिवोर्स दे दूंगा. क्या आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल रहे थे? जो रिश्ते बहुत बंद है, तुम उतार नहीं करते रहते. मैं उन लोगों में से नहीं जो रिश्तों को जबरदस्ती बांध कर रखे. लेकिन लगता है शायद अल्लाह हमें खुद बांध के रखना चाहता है, इसलिए मैं औलाद की मेहनत से नाराज हूँ. I'm sorry. अपनी गलती का एहसास हुआ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आप लोगों को समझने में. और फिर कुछ लोगों ने भी बहका दिया था. लोगों की बात नहीं होती है, इंसान अगर अपनी सोच को पॉजिटिव रखे तो लोग चाहे हजार बातें करें, इंसान मजबूत रहता है. लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम भी अपनी सोच और एटीट्यूड को बदलोगी, पॉजिटिव करोगी. मैं किस्मत बार बार साथ नहीं देती, ना ही वक्त. सर प्लीज मुझे माफ कर दें.
आखिरी बार मुझे माफ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। माफ सब करना पड़ेगा, औलाद की नेमत देने जा रही है मुझे। अब आपको परवा के पास आना चाहिए। क्यों? इंसाफ करना जरूरी है फवाद। फरवा साथ को आपकी जरूरत है। कल भी तो आप सारा वक्त मेरे साथ थे ना, आज आपको वहां होना चाहिए। मैं जानती हूँ आपकी मोहब्बत और ख्वाहिश, लेकिन इंसाफ जरूरी है। मैं कमरे से निकालना चाहती हूँ। तो कैसे बात कर रहे हैं? बस मैं आपको कहीं ना जाने दूँ, लेकिन आपको यहाँ जबरदस्ती रोककर उसके हाथ पे डाका नहीं डाल सकती। मेरी बात तो आपको सब भेजनी चाहिए ना। और ये बातें मुझे उलझन में डालती हैं। हाँ, लेकिन यही तलख हकीकत है ना बवाल, और इस हकीकत को बिल्कुल भी करना। बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए, इतने पैसे से आपकी बीवी आपके लिए, लेकिन फिर भी आपको जाने का कह रही है। इस बीवी की यही बातें अच्छी भी लगती हैं और बुरी भी। आप यहाँ? हाँ, सारा ने भेजा। क्यों? सारा चाहती है कि मैं तुम दोनों के साथ इंसाफ से रहूं। कल उसके पास था, आज तुम्हारे पास हूं। यानी उसने आपको भेजा है, आप खुद से नहीं आए? जो हकीकत है वो बता दो। चले, अच्छी बात है, आपने सब कुछ साफ साफ बता दिया, ताकि इंसान किसी किस्म की खुशफहमी में ना रहे। बीवी शोहर के सुकून का बायस बनती है तो उसका दिल खुद ब खुद उसकी तरफ मायल हो जाता है। और जब मायल ना हो तो कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर होती है।
बारे में जरूर सोचना। बैठा है ना, जो अमीना हिना के लिए शेक बना कर लाओ। भाभी आई एम रियली सॉरी, ऐसी नहीं भाभी, मुझे माफ कर दो। तुमने रियलाइज किया है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और अब बार बार ऐसे माफी मत मांगो, मुझे अच्छा नहीं लगा। भाभी मुझे कुछ समझ ही नहीं आया क्या हो गया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तुम्हारा कसूर नहीं है ना, तुमने जो इज्जत के माहौल में देखा और जो सुना उस पर अमल किया, लेकिन मुझे बहुत खुशी और इत्मीनान है कि मुझे जान के लिए आपका दिल बहुत बड़ा है। फवाद भाई नजर नहीं आ रहे, फरवा के पास है क्या? भाभी आपको कभी कुछ महसूस नहीं होता अपने शौहर को शेयर करने में, तकलीफ नहीं होती? नहीं, जब मैं ये सोचती हूँ कि वो किसी और का शौहर भी है तो नहीं, फिर भी कुछ तो महसूस होता होगा, लाइक ये शौहर को शेयर करना, जेलिसी, कभी कभी कुछ भी नहीं हुआ। आसान नहीं है ना, शुरू में बर्दाश्त भी नहीं होता था, लेकिन जब अल्लाह ताला आपको किसी सिचुएशन में डालते हैं ना, तो उसका हल निकालते हैं कैसे आपके दिल को मजबूत करके। मेरा कमाल नहीं है इसमें, सब अल्लाह का कमाल है। मैं कितनी अंधी थी कि मुझे कुछ दिखा ही नहीं। आपका दिल कितना बड़ा है, आप कितने बड़े जर्द की मालिक है, मुझे आज अंदाजा हुआ है इस बात का। नहीं था सर सुना, जब इंसान किसी को स्पेस देता है ना तो समझ आता है कि दूसरे की भी जिंदगी है। और मेरी एक बात याद रखना है, खुशी मिलती है, खैर बात शायद बातें से सिर्फ नुकसान, और आज के बाद से इस बात का जिक्र हम नहीं करें। मैंने तुम्हें माफ किया, मैं तो एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। तुम मेरे पास आई हो, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। डाउट का है अपने रूम में, मुझे कहते हैं जी हीरा मानी, सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।